हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ में ये मेरी फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले मैं पहली चार वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 300 क्वेश्चन उसमें कवर किए हुए हैं। तो आज हम डीजे कंट्रोल सर्किट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, MPH के कार्य ना करने पर कैसे गाड़ी कार्य करेंगी? तो काम से अलग कर देंगे इसको, तो HPH को 0 पर करके स्टार्टिंग में 600 एम्पियर करंट देंगे 5 मिनट तक, उसके बाद 400 एम्पियर लगातार देके ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 304, ऑपरेशन सी की खराबी में कितने स्विचेस ऑपरेट करते हैं? तो टोटल 3 स्विचेस को ऑपरेट करते हैं, एक HVMT1, HVMT2 और HVRH को ऑपरेट करते हैं। देखिए, आपको ज़रूरी है कि सारे ऑपरेशन के बारे में आपको पता हो। तो ऑपरेशन से रिलेटेड भी जितनी वीडियोस हैं, चेक इन सन, वो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप उसकी भी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 305, C105 का कॉन्टैक्टर खुला होने पर किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग मिलेगी? तो ऑपरेशन D2 में खराबी होगी। QVRH खराब होने पर किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग होगी? तो QVRH किस में है? ऑपरेशन सी, तो उसमें खराबी मिलेगी हमको। नेक्स्ट 308, फ्यूज CCBA कितने एम्पियर का होता है? तो 35 एम्पियर का होता है। 309, फ्यूज CCBA एवं CCPT कितने एम्पियर का होता है? तो CCBA होता है 35 एम्पियर का और CCPT होता है 16 एम्पियर का। 310, D1 की ट्रिपिंग होने पर किस किस स्विच को 3 पर रखते हैं? ऑपरेशन D1, जिसको हम फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग भी बोलते हैं, तो उसमें हम HVSI1 और HVSI2 को ऑपरेट करते हैं। 312, BLR DJ छोड़ते ही ट्रिपिंग मिलने पर किस ऑपरेशन की ट्रिपिंग कहेंगे? तो इसको कहते हैं हम ऑपरेशन B/Q30, तो इसमें Q30 जो रिले है उसको टैप करते हैं। नेक्स्ट 314 नंबर, MVSI1 के कार्य ना करने पर किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग होगी? तो ऑपरेशन D1 में खराबी होगी, फर्स्ट नो ट्रिपिंग होगी। 315, यदि C105 का अंडर इंटरलॉक खराब है तो किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग होगी? तो ऑपरेशन D2 में ट्रिपिंग होगी। 316, किसी भी रोटेटिंग स्विच की पोजीशन बदलने से पहले क्या सावधानी ज़रूरी है? तो किसी भी रोटेटिंग स्विच को अगर ऑपरेट करना है तो ज़रूरी है कि DJ ओपन होना चाहिए। 317, QVSI1 खराब होने पर ट्रिपिंग किस ऑपरेशन में मिलेगी? तो QVSI1 है मतलब फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग है, तो ऑपरेशन D1 में ट्रिपिंग मिलेगी। 318, GR3 नोच पर फंस जाने पर ट्रिपिंग होगी या नहीं? यदि MP को 0 पर लाते हैं तो ट्रिपिंग होगी बाय Q46 रिले। उसके बाद है MVMT1 के कार्य ना करने पर DJ कितनी देर में खुलेगा? तो टोटल 15 सेकंड में DJ खुलेगा। फ्यूज CCDJ कितने एम्पियर का होता है? तो 6 एम्पियर का होता है। 321, Q44 एवं BP2 DJ से DJ बंद करते समय यदि LSCHBA ना बुझे तो Q44 कब छोड़ेंगे? तो 4 सेकंड के अंदर छोड़ देंगे। ICDJ मिलने पर किस किस फ्यूज की जांच करेंगे? तो ICDJ मिलने पर 3 फ्यूज़ हैं, CCBA, CCPT और CCDJ फ्यूज़ की जांच करेंगे। 323, Q118 को वेच करने पर किस किस ऑपरेशन में टिपिंग नहीं होगी? तो ऑपरेशन जो Q118 की ब्रांच पर है हम, तो ऑपरेशन C/B/C/D2 में टिपिंग नहीं होगी। 324, ZPT पोजीशन 1 पर है परंतु पेंटो ना उठे तो DJ बंद करते समय क्या संकेत मिलेगा? तो ICDJ मिलेगा। नेक्स्ट 325, BLR DJ छोड़ते ही ट्रिपिंग हो रही है तो किस में खराबी है? रिपीट क्वेश्चन है, तो ऑपरेशन B/Q30। DJ बंद करने के लिए कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए? तो कम से कम 6.5 kg का प्रेशर होना चाहिए। 327, रिले QVMT1 खराब होने पर किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग होगी? तो ऑपरेशन सी में। QVMT2 खराब होने पर किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग होगी? तो ऑपरेशन सी में ही होगी। और QVRH भी खराब है तो ऑपरेशन सी में ट्रिपिंग होगी। प्रश्न 330, रिले QVSL1 यह खराब है, या कहते हैं कि QVSL2 खराब है, या QPH, इन तीनों में से किसी के भी खराब होने पर ऑपरेशन बी में ट्रिपिंग हमको मिलेगी।
333 QCVR खराब होने पर किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग मिलेगी, तो ऑपरेशन बी लिखा उसमें, ऑपरेशन ए में खराबी होती है। 334 रिले QVSI1 खराब होने पर किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग मिलेगी, तो ऑपरेशन D1 में ट्रिपिंग मिलेगी, फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग। QVSI2 खराब है तभी उस ऑपरेशन D1 में खराबी मिलेगी। 337 सी 105 या 106 या 107 के कॉन्टैक्टर खुले रहने पर किस में ऑपरेशन में ट्रिपिंग मिलेगी, तो ऑपरेशन D2 मतलब सिक्स नॉच लेते ही ट्रिपिंग होगी। 340 ICDJ मिलने पर फ्यूज CCBA CCPT की जांच करेंगे या नहीं करेंगे जबकि पेंटोग्राफ उठा है, करेंगे। R1 को के बंद रहने पर DJ बंद करते समय क्या संकेत मिलेगा, तो ICDJ मिलेगा। 342 BLRDJ छोड़ते ही ट्रिपिंग होने पर क्या करेंगे, तो BLRDJ छोड़ते ही अगर ट्रिपिंग हो रही है तो Q30 के जो नट को हम थपथपाएंगे। 343 Q45 को दबाने पर यदि Q44 एनर्जाइज नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, तो मैनुअली हम GR को पहले 10 नोज तक चलाएंगे और फिर वापस जीरो पर ला कर BLRDJ से DJ बंद करेंगे। 345 44 अगर MVMT1 नहीं काम कर रहा या MVMT2 नहीं काम कर रहा या MVRH काम नहीं कर रहा, इन तीनों में से अगर कोई काम नहीं कर रहा तो किस में ऑपरेशन में ट्रिपिंग होगी, तो ऑपरेशन सी में ट्रिपिंग होगी। अगर MVSL1 MVSL2 MVSL और MPH अगर काम नहीं कर रहा तो किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग होगी, तो ऑपरेशन बी में ट्रिपिंग होगी, इन तीनों में से अगर कोई काम नहीं कर रहा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 350 अगर MVSI1 नहीं काम कर रहा या MVSI2 नहीं काम कर रहा तो किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग होगी, तो ऑपरेशन D1, तो यहाँ पर D1 में आएगा, यहाँ पर ऑपरेशन D1 में खराबी होगी। 352 Q118 की ब्रांच से किस किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग मिलती है, तो ऑपरेशन जो होता है ए बी सी और D2 जो कि Q118 की ब्रांच पर है। ऑपरेशन ए है अर्नो वाला QCVR, ऑपरेशन बी में आपके आपके HPH वगैरह आ गया और HVSL1 HVSL2 ये आ गए आपके, ऐसे ही बाकी सी में हो गया MVMT1 MVMT2 और MPH और D2 में आ गए अंडर इंटरलॉक C105 6। 353 Q44 की ब्रांच से किस किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग मिलती है, तो ऑपरेशन क्यू जो Q44 की ब्रांच है उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, वो है D2 फर्स्ट नो स्ट्रिपिंग, तो ऑपरेशन D1 में खराबी होगी। BLRDJ की दबी हालत में LSCHBA के बुझते ही अगर ट्रिपिंग हो रही है तो किस ऑपरेशन में खराबी होगी, देखिए LSCHBA बुझता है उसी समय हम BLRDJ छोड़ते हैं और BLRDJ छोड़ते अगर ट्रिपिंग हो रही है तो किस में है Q30, ऑपरेशन बी बाय Q30। क्वेश्चन नंबर 355 Q45 को दबाने पर यदि C118 बंद नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, C118 नहीं बंद हो रहा, हो सकता है कि जो Q44 है वो एनर्जाइज ना हुई हो, तो सेम GR के मैनुअल कंट्रोल के द्वारा 10 नोच लेंगे और वापस उसको जीरो पर लाएंगे और BLRDJ से फिर DJ बंद करने की कोशिश करेंगे। 356 ICDJ मिलने पर यदि BLDJ स्विच खराब हो तो आप क्या करेंगे, तो दूसरी कैब से कोशिश करेंगे। 357 खड़े लोको में यदि MVSI1 काम करना बंद कर दे तो ट्रिपिंग होगी कि नहीं होगी, खड़ा लोको है इसका मतलब GR आपका कहाँ है जीरो पर है और GR जीरो पर है तो ट्रिपिंग नहीं होगी क्योंकि इसको जो MVSI1 और MVSI2 को GR0 के इंटरलॉक के द्वारा बाईपास किया हुआ है Q44 की ब्रांच पर। ऐसे 358 खड़े लोको में यदि MVSI2 भी नहीं काम कर रहा उस समय भी ट्रिपिंग नहीं हो गई। तो ये थे आपके DJ क्लोजिंग सर्किट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।